बच्चों, हम अध्याय सात में लोकतंत्र के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान में राजनीति शास्त्र के अंतर्गत है। अब लोकतंत्र के परिणाम क्या है, इसको हम जो है, तुम लोग ये देख रहे होगे कि हम किस तरह से लोकतंत्र के जो परिणाम है उसके बारे में हम देख रहे हैं। कि परिणाम जो है एक मानचित्र की अवधारणा के आधार पर ही बताया गया कि लोकतंत्र के परिणाम क्या क्या है। सबसे पहले है आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति में क्या देखेंगे, जैसे कि सरकार यदि जीत कर आती है, बहुमत दल के उसमें आती है, तो वह क्या करेगी, जिम्मेदार सरकार होगी, जवाबदेह सरकार होगी और वैध सरकार होगी, मतलब वह कानूनी होगी। फिर सामाजिक में देखेंगे, सामाजिक विविधता के सामंजस्य बिठाने का कार्य करेगी और साथ ही साथ सद्भावनापूर्ण जीवन जीने के लिए भी वह महत्वपूर्ण मतलब बढ़ावा देगी। फिर आर्थिक समृद्धि की ओर भी विकास होगा, गरीबी और असमानता में भी कमी आएगी। इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये चार्ट के माध्यम से या चित्र के माध्यम से इस चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम ये देखने को मिल सकते हैं। अब परिणाम तो राजनीतिक समानता, चुनाव लड़ने के लिए वोट देने का अधिकार। फिर यहाँ पर देखेंगे समान अधिकार में न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव का अधिकार, फिर नीति निर्माण की खुली बहस और बहुमत का निर्णय। यह बहुमत का निर्णय जो है जनमत के आधार पर होता है। फिर यहाँ देखेंगे परिणाम क्या होते हैं, जन कल्याण और सामाजिक आर्थिक समानता, वस्तुओं आय और अवसरों की समानता बनती है। फिर धनी व शक्तिशाली व्यक्ति व विशेष अधिकार नहीं। फिर परिणाम क्या होते हैं, व्यक्ति की गरिमा, नागरिक समानता, सामाजिक टकरावों में कम संभावना, कमजोर वर्गों में समानता का अधिकार और सामाजिक समानता, मतलब ये सारी चीजें जो है परिणाम जो है ये तीनों ही क्षेत्र में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में तीनों के परिणाम इस तरह से हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कम से कम कमजोर वर्ग जो होता है उसको भी समान अधिकार मिल जाता है और साथ ही साथ सामाजिक समानता मिलती है, ताकि वह समाज में अपने विचार को आसानी से रख सकता है और साथ ही साथ आय और अवसरों में भी समानता पाई जाती है, जिससे कि व्यक्ति जो है उस अवसर का लाभ ले सकता है। फिर देखेंगे कि याद रखने और जो कुछ बातें हैं वह किस तरह से, आज विश्व में 100 से अधिक देशों में किसी ना किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करती है, जिसमें कि औपचारिक संविधान है या चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी है जिसमें अपने नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देता है। इस तरह से लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले जो है कायदे कानून के अनुसार हो, और दूसरा नागरिक यह भी जानना चाहे कि फैसले लेने के लिए नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता भी वह लगा सकता है। और इसके लिए सिर्फ यह जानने का अधिकार है कि बल्कि उसके पास साधन भी उपलब्ध हो, कि इसे पारदर्शिता कहते हैं। फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर होता है, जिसमें कि वैध कानून और जो शासन व्यवस्था जो होती है इसके कारण संपूर्ण देश में लोकतंत्र की जो है विचार से प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता और आधारित होती है, जिससे कि प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति के स्तर पर बराबर होता है। फिर तानाशाही का समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा को निरंकुशवाद भी कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का चलना या एक ही तरह तानाशाही करता है। फिर लिंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिक प्रवृत्ति की सामाजिक असमानता के रूप में भी होता है, जिसको कि हम दूर कर सकते हैं। फिर राजनीतिक विचारधारा में निरंकुशवाद भी होता है, फिर इसमें जाति भेद असमानता को दूर कर सकते हैं। फिर कानून के शासन से आशय, इसमें एक संविधान के प्रति अटूट निष्ठा के साथ शासन करना ही कानून के शासन से आशय होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि आज जो है पारदर्शिता होना चाहिए, लोकतंत्र के शासन सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर समानता का भाव को बढ़ावा देता है, गरिमा को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र के फैसले बेहतर होते हैं, फिर लोगों के टकरावों को टालने का तरीका प्रदान करता है, सुधारने की गुंजाइश होती है। फिर बुनियादी संविधान होता है, जिसमें कि चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन होता है, इससे अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है। इस तरह से समाज में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं जो होती हैं उनका भी समाधान जो है आसानी से हम कर सकते हैं। फिर लोकतांत्रिक शासन उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन होता है, इसको हम किस तरह से समझा सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे उत्तरदायी सरकार। यह लोकतंत्र की ही एक उत्तरदायी सरकार है, जो संभव बनाता है कि कानूनी कानूनों को मानती है, नियमों को मानती है और जवाब दे, यदि कुछ भी होता है तो वह उसको जवाब दे होती है। लोगों की सरकार है, लोगों की द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए है, इसलिए इसे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं।
यहाँ पर प्रतिनिधि जो होते हैं वह लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर लोग जो है कामों में खुश नहीं होते तो वे लोग अगले आम चुनाव में अपने नेता जो है वह बदल सकते हैं। और हम काम का उत्तर देना या जनप्रतिनिधियों के लिए जरूरी हो जाता है। फिर यहाँ देखेंगे जिम्मेदार सरकार। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वह अधिक पारदर्शी होती है, क्योंकि जनता के पास यह जानने का अधिकार होता है कि जो फैसले किन तरीकों से लिए गए हैं या सरकार में कोई कार्य जो किया गया है। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार में जनता के लिए उत्तरदायी होती है और यह जो जनता का जो ध्यान रखती है। और यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि जनता जो है उसे जो है निष्पक्ष रूप से बहुमत रूप में उसको चुनकर भेजती है और सरकार जो है वह बनाती है। इस तरह से वह जनता के ध्यान भी रखती है। फिर देखेंगे वैध सरकार। वैध सरकार जो है शासन की व्यवस्था करती है, सुस्त होती है, कार्यकुशल हो सकती है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार जैसे लोगों ने अनदेखा नहीं कर सकती। इस तरह से पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार की विचारधारा के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव उत्पन्न करता है। आर्थिक समृद्धि का विकास, आर्थिक क्षेत्र में भी समृद्धि हो रही है, जिससे कि हम देखेंगे 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था जो आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। फिर इसके अन्य कारक ऐसे होते हैं जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के सहयोग से आर्थिक प्राथमिकताएं दी गई हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि हुआ है और कई स्थानों पर कई ऐसे क्षेत्रों में भी विकास, आर्थिक विकास हुआ है। असमानता और गरीबी में कमी, यहाँ पर भी आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो गरीब है उनके बीच भी आय में एक बहुत बड़ी खाई जो थी वह भी उस आर्थिक असमानता को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी असफल रहा है। फिर सामाजिक विविधताओं में असामंजस्य, जो सामाजिक विविधताएं हैं यहाँ जो देखने को मिलती है, हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम है, अलग तरीके के लोग रहते हैं, अन्य जाति धर्म के लोग रहते हैं, इनके बीच जो है लोकतंत्र में विविधता का सम्मान करते हुए मतभेदों का समाधान निकालना भी सीख जाते हैं और साथ ही साथ लोकतांत्रिक सामाजिक विविधता का तालमेल बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर नागरिकों की गरिमा और आजादी, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आजादी भी प्रदान की गई, जिसमें कि विभिन्न समाज के लोग, कई सामाजिक वर्ग जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न झेला है, उनके फलस्वरूप भी लोगों को आज जो है सामाजिक व्यवस्था से ऊपर उठ पाए हैं और साथ ही साथ उनको हक भी प्राप्त हुआ है। इस तरह से महिलाओं की भी समानता बढ़ गई है। फिर जातिगत असमानता भी कम हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे कि महिलाएं भी समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई हैं और आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिल चुका है। फिर देखेंगे जातिगत असमानता। जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए बैठी थी, लेकिन लोकतंत्र के कारण इस संख्या में काफी कमी आई है। जो आज पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के लोग भी जो है इस पेशे में शामिल हो गए हैं, जो कि राजनीति में भी आ गए हैं, लोकतंत्र में भी शामिल हो गए हैं और वह अपना जो है भरपूर योगदान दे रहे हैं और अपनी समस्याओं को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं और उनकी जो समस्याएं उनको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं, जो दलित वर्ग थे, जो अनुसूचित जाति के थे, जो आदिवासी लोग थे, जिनका लोग पूछते नहीं थे, लेकिन अब उनको भी लुभाने की कोशिश की जाती है, उनको भी सारे अधिकार दिए जाते हैं, उनके सारे अधिकारों की बात की जाती है। इस तरह से ये समझ में आता है कि लोकतंत्र होने के कारण लोगों को अपनी जो है बातें सामने रखने का, अपने आवश्यकताएं उनको सामने लाने का प्रयास किया जाता है।